अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको वाईमैक्स टैबलेट के बारे में बताऊंगा। काफी दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जी के वाईमैक्स टैबलेट के बारे में बताएं। मुझे नहीं पता आपको ये नाम कहाँ से पता चलते हैं। बहरहाल वाईमैक्स टैबलेट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वाईमैक्स टैबलेट है एक डाइटरी सप्लीमेंट है, और ये 30 टैबलेट भी आपको मिलती हैं, और इसके अलावा 60 टैबलेट भी मिलता है। ये मेड इन कैनेडा के नाम से आपको मिल जाता है, कैनेडा के अंदर बनता है। आजकल पाकिस्तान में कुछ लोकल कंपनियां भी इसको बना रही हैं और लेबल लगा के बेच रही हैं और लोग लेते हैं। देखिए, ये जो वाईमैक्स टैबलेट है ये ईडी के लिए इस्तेमाल होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ऑल्दो के बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये जो है इनलार्जमेंट वगैरह के लिए, या फिर ये है कि ये लिबिडो को इंक्रीज करती है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, ये करती है वो करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेबलेट सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और इस टेबलेट जो आप ये जो टेबलेट मिलती है ये आपको 25 mg के अंदर भी मिल जाती है, इसके अलावा 50 mg के अंदर भी मिलती है और 100 mg के अंदर भी मिलती है। इसकी जो डोज होती है वो पर डे में आपको स्टार्ट की जाती है 25 mg से, फिर 50 mg तक, और जो मैक्सिमम इसकी डोज है वो 100 mg है पर डे में। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी होती है। अब ये जो टैबलेट है वो FDA से अप्रूव नहीं है, तो जो FDA से अप्रूव नहीं है उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि FDA ने कैटेगोरिकली बताया हुआ है कि जो वाईमैक्स टैबलेट है इसके अंदर उन्होंने एक हिडन जो है वो इंग्रेडिएंट डाला हुआ है जिसे टेडेलाफिल कहते हैं। ये टेडेलाफिल आपको कौन से टैबलेट में मिलता है जो FDA से अप्रूव्ड है, जैसे CLS है वो जो टैबलेट है वो FDA से अप्रूव्ड भी है, और उसके अलावा उसके अंदर यही होता है जो इसके अंदर डाला हुआ। बेसिकली आपको बताया जाता है कि वाईमैक्स एक नेचुरल सप्लीमेंट है और आप नेचुरल समझ के लेते हैं, आपको नहीं पता होता उसके अंदर क्या है। सो उसके अंदर ये टेडेलाफिल डाला होता है जो कि CLS के अंदर होता है जो कि FDA से अप्रूव्ड है। तो अगर आपने टैबलेट इस्तेमाल ही करनी है, जैसे वियाग्रा होती है तो उसके अंदर सिल्डेनाफिल होता है, ये जो CLS होती है इसके अंदर टेडेलाफिल होता है, तो यही टेडेलाफिल इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है वाईमैक्स के अंदर। तो अब अगर आपने वाईमैक्स ही इस्तेमाल करनी है तो आपको CLS इस्तेमाल करनी चाहिए अपने डॉक्टर से पूछ के, वो FDA से अप्रूव भी है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। क्यों ये टेडेलाफिल जो लोग नेचुरल समझ के लेते हैं, उन्हें अगर वो डायबिटिक हैं या फिर उनको हार्ट अटैक, हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर उनका BP हाई रहता है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, नाइट्रेट नाम की मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब ये इनका आपस में जब इंटरेक्शन होगा मेडिसिन का, नाइट्रेट का और इसका, तो उसके नतीजे में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से गिर सकता है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आप जाहिर है नेचुरल समझ के लेते हैं, सो इसलिए आपको अगर इस तरह की मेडिसिन लेनी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसे अपना चेकअप करवाइए, BP दिखाइए, शुगर दिखाइए, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो बताइए, उसके बाद वो आपको CLS या फिर वियाग्रा लिख के दे देगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह की मेडिसिन जो FDA से अप्रूव नहीं है उसे हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और मोस्टली जो डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो FDA से अप्रूव नहीं होते हैं। सो होप सो कि आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। बहरहाल जो एक आर्टिकल है इसके ऊपर, वो भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।